हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। के स्वागत है गाइस आप लोगों का मेरे चैनल में। आज की हम चर्चा करेंगे टाटा गैलेक्सी पे। सो गाइस, पहले कुछ की पॉइंट्स देख लेते हैं। देखिए, इसका जो मार्केट कैपिटल अगर मैं दिखाऊं आप लोगों को, तो वो है 41,666 करोड़ का। स्टॉक पी है, सेक्टर पी मतलब 29 है। बुक वैल्यू पर शेयर 257 है एंड फेस वैल्यू उसकी 10 है। गाइस वॉल्यूम का 73,247 है एंड आप देख सकते हो प्रीवियस क्लोज ने 6745 पे दिया था, ओपन का 6742 पे हुआ है। गाइज अगर हम बात करें इसके कुछ फंडामेंटल्स से रिगार्डिंग, तो आप देख सकते हैं कि मतलब आज के दिन थोड़ा सा हमें कम वॉल्यूम देखने को मिल रहा है इसका, 76,000 का ही। बट कल के दिन काफ़ी अच्छा था, मतलब यस्टरडे आप कह सकते हो, मतलब फ्राइडे 2 लाख समथिंग का था और वहीं 1 वीक पहले 1 लाख समथिंग था। तो मतलब अब उससे थोड़ा सा कम हो रहा है वॉल्यूम में हमें। और गाइस देखिए, 83% बाय है, 17% सेल है एंड 0% का होल्डिंग है। टाटा गैलेक्सी का स्टॉक अच्छा है, ऐसा नहीं कि स्टॉक अच्छा नहीं है, बट थोड़ा सा आपको पता है टाटा के स्टॉक में काफ़ी कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जिसमें हमें गिरावट देखने को मिलती है। रिवेन्यूज का गाइस का 247 करोड़ का हुआ है, जो कि काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। एंड अगर हम बात करें इसके नेट प्रॉफिट, तो नेट प्रॉफिट भी देख सकते हो ऑल ओवर बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ है, 549 करोड़ का। वहीं अर्निंग पर रेशियो की बात, अर्निंग पर शेयर की सॉरी बात करें, तो वो भी काफ़ी बड़ा है, 88 तक पहुंच गया है। गाइस अगर हम आरओई की बात करें तो वो 34 तक पहुंचा है। मतलब गाइस देखिए, ऑल ओवर इसके रिवेन्यू काफ़ी अच्छे हुए हैं, नेट प्रॉफिट काफ़ी अच्छा हुआ है, अर्निंग पर रेशियो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है एंड आरओई। वहीं डेप्थ इक्विटी की बात करें तो गाइस देखिए, इस पर 0% का कर्जा है। जो कंपनी कर्जा फ्री होती है, आप लोगों को पता है डेप्थ फ्री होती है, तो काफ़ी ऊपर तक जाती है। इसमें प्रमोटर की होल्डिंग 43 देखने को मिलती है गाइस हमें। FIA की होल्डिंग भी देखिए बड़ी है, 15.37 हो गई है। DI की होल्डिंग की बात करें तो गाइस DI की होल्डिंग थोड़ी सी कम होती है, 3.91 हो गई है। एंड पब्लिक की होल्डिंग गाइस 36.8, ये भी हमें बड़ी हुई नज़र आई है। गाइस वहीं अदर होल्डिंग की बात करें तो अदर होल्डिंग भी सेम एज इट इज 0.01 की बनी हुई। सो गाइस चलो आ जाते हैं कुछ टाटा की बात कर लेते हैं। पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि देखिए, पिछले 6 महीने के अंदर स्टॉक की कहाँ 10,614 तक पहुंच गया था अगस्त में। उसके बाद धीरे धीरे हमें इसके अंदर गिरावट देखने को मिली और फिर 6,690 आप कह सकते हो आकर पहुंच गया। गाइस देखिए, लगातार माल बेचा जा रहा था इसमें, ठीक है, मतलब कुछ कम से कम 15 लाख तक का माल बेचा गया था, उसके ऊपर तक का हर महीने बेचा गया था, अगस्त से लगा लो, जो कि मैं आपको अगस्त से बता रही हूँ। गाइस 15 से 13 लाख तक का आप गाइस लगा सकते हो, लेकिन गाइस कम से कम 2 लाख तक के शेयर बेचे गए थे जो अब तक के, और 14% तक के आप इसमें कह सकते हो शेयर बेच दिए गए थे। वहीं अगर म्यूचुअल फंड के अराउंड की बात है गाइस, ये आपको दिखेगा कि म्यूचुअल फंड बहुत तेजी से माल बेच रहे हैं। देखिए एक्सेस क्वाइंट फंड है, रेगुलर माल बेच रहा है, 36 तक का बेचा उसने। वहीं एक्सेस मिड कैप है, वो भी काफ़ी म्यूचुअल फंड से माल बेच रहे हैं, किसी से मतलब भी आप देख सकते हो। वैसे भी देखिए गाइस, ऐसा नहीं है कि कंपनी को प्रॉफिट नहीं हो रहा, काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हो रहा है। ऐसा नहीं है कि स्टॉक ख़त्म हो जाएगा जब दोबारा से इसका स्टॉक प्राइस गिरेगा। देखिए मतलब कंपनी को प्रॉफिट हो जाता है तो जो म्यूचुअल फंड वाले ना एग्जिट कर लेते हैं, लेकिन जब से दोबारा से अगर जैसे कि अभी इसमें प्राइस गिर रहा है और थोड़ा और गिरेगा तो म्यूचुअल फंड वाले फिर से आएंगे, तो हमें फिर से इसमें बाइंग का लेवल देखने को मिलेगा। बाकी गाइस स्टॉक अच्छा है, अगर आप लोगों के पास है तो उसको होल्ड करके रखें और इस पर बने रहें। सो गाइस मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, प्लीज़ वीडियो को जो लाइक करें, कमेंट कर सकते हैं, बैंक को बेस्ट। थैंक यू।